नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एनकेसी न्यूज़। दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश जी और राहुल गांधी, सोनिया गांधी के बारे में बता रहे हैं दोस्तों आपको। तो आपको पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि जानते हैं इसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, कौन कौन संगम में लाए हैं और प्रयागराज से पूरी अपडेट आ रही है, निकल को आपको पूरी अपडेट देते हैं। इसलिए हम तस्वीर देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ का। दोस्तों योगी आदित्यनाथ के साथ साथ जानते हैं पूर्व मुख्यमंत्री थे अखिलेश जी, वो भी नहाए हैं इस कुंभ में, तो आपको बताते हैं, चलिए देख पूरी अपडेट देख लेते हैं। दोस्तों बता दें कि आपको उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेले में मंगलवार को एक अलग नज़ारा देखने को मिला, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की पूरी कैबिनेट के संगम में डुबकी लगाई। दरअसल योगी इस सरकार में ऐसा पहली बार हुआ है जब राजधानी लखनऊ के बाहर प्रयागराज में यूपी कैबिनेट की बैठक हुई और इसके बाद योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरी कैबिनेट ने कुंभ में स्नान किया और कुंभ स्नान की योगी आदित्यनाथ की फोटो सोशल मीडिया पर खूब छाई हुई और है इस पर जो है कमेंट भी करने से कांग्रेस नेता और सांसद राशि थरूर जो है भी नहीं चुके हैं और योगी आदित्यनाथ की कुंभ स्नान वाली फोटो शशि थरूर ने चुटकी ली और ट्विटर पर लिखा है कि इस संगम में सभी तो नंगे हैं। दरअसल शशि थरूर ने सीएम योगी आदित्यनाथ की वह फोटो शेयर की जिसमें वह कई मंत्रियों साधु संतों के साथ कुंभ में स्नान करते देखा दिख रहे हैं और इसी फोटो को अपने ट्वीट पर शशि थरूर ने शेयर किया है और लिखा, गंगा भी स्वच्छ रखनी है और पाप यहीं धोने हैं, लेकिन इस संगम में सब तो नंगे हैं और जय गंगा मैया की उन्होंने कहा। फिर बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लेटे हुए हनुमान अक्षयवट और सरस्वती कूप के दर्शन पर कुंभ मेले में मंत्रिमंडल की बैठक की और इसके उपरांत पूरे मंत्रिमंडल के साथ संगम में डुबकी भी लगाई। दोस्तों ये पूरी अपडेट थी, मैं आपको अपडेट कर दिया, हम यहाँ से देख पा रहे हैं शशि थरूर का ये ट्विटर ट्वीट भी किया गया है और उसके साथ जो है देख रहे हैं यहाँ पर 600 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस भी इस पर उद्घाटन होने करीब देख रहे हैं 36,000 करोड़ की इसमें खर्च होने की संभावना है और यहाँ देख रहे हैं पूरी दिया है आदित्यनाथ अध्यक्ष ने नरेंद्र साध संतों के साथ स्नान किया है, पूरी अपडेट दे रहा है। दोस्तों ये पूरी अपडेट थी, मैं आपको अपडेट कर दिया हूँ। आपको बता दें कि कुंभ में सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही नहीं पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश भी संगम में डुबकी लगा चुके हैं और सोनिया गांधी भी इसमें लगाने वाले हैं, जो राहुल गांधी हैं प्रियंका गांधी कुंभ में स्नान करने वाले हैं। कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी कुंभ में स्नान करने वाली हैं कुछ ही दिनों में, तो आपको भी मैं अपडेट कर दूंगा जब ही वो स्नान करेंगे। दोस्तों ये पूरी अपडेट थी, मैं आपको अपडेट कर दिया हूँ, इसे कम करूँगा साथ अल्ट अपडेट रहने के लिए इनके सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन करना, वीडियो अच्छा तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों फेसबुक सबसे ज़्यादा शेयर करना। फिर अपडेट मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।